नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको एक सुंदर सा ट्यून सिखाने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया ट्यून है, आप उसको बजा के उसका आनंद ले सकते हो। तो मैं उसको अभी पहले बजा के दिखाता हूँ, बाद में उसके नोटेशन भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएंगे। ओके, अभी मैं यूज कर रहा हूँ डी स्केल है ये मेरे पास। तो ये है ट्यून, इसमें एक्चुअली ये नेपाल की ट्यून है। इसमें क्या है, प प रे नी, इसमें मोस्टली तार सप्तक में जाता है। अगर आप बिगिनर लेवल में हो, आपको तार सब हायर ऑक्टेव का प बजाने में मुश्किल होगी, तो डेफिनेटली ये ट्यून बजाने में आपके और दिक्कत हो आ जाएगी, क्योंकि इसमें रेगा रे प रे, तो ये प तार सप्तक का जाता है। और जब तार सप्तक का हमें प बजाना होता है, तो सब होल क्लोज करके एक ही होल ओपन रखना पड़ता है। तो अगर आप वो नहीं बजा पाते हो, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। अगर आपको ये ट्यून कुछ भी करके बजाना है, तो उसके लिए एक प्रैक्टिस करो, ताकि आप वो प बजा सको। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हायर ऑक्टेव में सारे ग म प प म ग रे सा ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर वो कैसे रहेगा, इस टाइप से सारे ग म प प म ग रे सा, इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। अगर एक घंटा आप 8 दिन तक करोगे, तो आपको म और ऊपर का प 100% आपका क्लियर बजने लगेगा। मगर इसको एक घंटा सिर्फ सारे ग म प प म ग रे सा, इसके हायर ऑक्टेव में प्रैक्टिस करना है। ओके, तो चलो आते हैं फिर से ट्यून पे। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया, प प रे नी फर्स्ट, प प रे नी, बाद में रे रे नी ध, तो दोनों साथ में प प रे नी रे रे नी ध। ओके, नेक्स्ट रे रे म ग रे सा नी ध नी नी ध ध प। अब ये पूरा फ्रेज साथ में आएगा, फिर भी कैसे होगा, तो रे रे म ग रे सा नी ध, अब उसके बाद नी नी ध ध प आ, तो इस टाइप से भी बजना चाहिए। तो उसके लिए कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे गमक का यूज कर रहा हूँ, नी नी ध ध प, ये फ्रेज बजाने के लिए मैं गमक का यूज कर रहा हूँ। अगर आपको गमक अभी नहीं आता होगा बिगिनर लेवल में, तो उसके लिए शॉर्टकट भी सब बताता हूँ मैं। नी नी ध ध प, इसको फ्रेज को आप उंगली को हिलाओ मत, उंगली स्टेबल रहेगी। सिर्फ आपको क्या करना है, स्टेबल रह के ब्लोइंग से उसको एडजस्ट करना है। फिर वो कैसे आएगा, ओके सेम लग रहा है, मगर मिंड में सॉरी गमक वहां पे डालोगे तो और खूबसूरत लगता है। देखो ओके, तो ये हुआ पूरा एक अस्थाई बोल सकते हो उसको आप, प प रे नी रे रे नी ध रे रे म ग रे सा नी ध नी नी ध ध प। फिर अभी नेक्स्ट रे गे रे गे रे पर रे, ओके सिंपल, ये पूरा तार सप्तक में जाएगा, ये प भी ऊपर का बजेगा। ओके रे गे रे गे रे पर रे, नेक्स्ट सारे सारे साम सा, ये भी तार सप्तक में सारे सारे साम सा, नेक्स्ट
निशा निशा धरे धरे ध निशा निशा धरे धरे ध ओके बाद में सारे सारे निशा निशा धनी धनी प सारे 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 तार सप्तक में बाद में मिडल सप्तक में आ जाएगा फिर कैसे होगा सारे सारे निशा निशा धनी धनी प फिर वो कैसे परे रे परे रे फिर से परे नी रे रे नी ध रे रे म ग रे सा नी ध नी नी ध ध प रे ग रे ग रे परे सरे सरे सा म सा म सा नी सा नी सा ध रे ध रे ध सरे सरे नी सा धनी धनी प सरे सरे नी सा धनी धनी प सरे सरे नी सा धनी धनी प तो हम क्या करेंगे सिर्फ प परे नी रे रे नी प रे रे म ग रे सा नी ध नी नी ध ध प ये फ्रेज को हम दो बार बजाएंगे बाद में रे गे रे गे रे पर रे सरे सरे सा म सा म सा नि से नि से ध रे ध रे ध सरे सरे नि से नि से ध नि नि प ये फ्रेज को हम दूसरी बार बजाएंगे दो मतलब ये फ्रेज को हम दो बार बजाएंगे पहला वाला सेशन दो बार दूसरा वाला सेशन दो बार ये दो बार होने के बाद उसका एंड हो जाएगा। अभी जो एकदम बेसिक लेवल में है जिनको बिगिनर लेवल में जिनको तार सप्तक का नहीं बजा सकते वो सभी को ये सब लोअर में भी बजा सकते हो मिडल और लोअर में फिर वो कैसे होगा इस तरह से। तो ये पैटर्न है एक हायर में और लोअर में जिसको हायर में नहीं बजा सकते वो शॉर्टकट के लिए लोअर कर सकते हैं मगर अच्छी क्वालिटी अच्छी ट्यून मिलेगी तो वो हायर में मिलेगी। तो आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से इसका रियाज करो बहुत अच्छा ट्यून है और सिंपल भी है और आपको किसी ने अगर बजाने के लिए बोला तो एक जस्ट एक मिनट में आप कुछ तो बजा के दिखा सकते हो उसको गाने के अलावा अगर कुछ बजाना होगा तो इसको अगर एक दो इंस्ट्रूमेंट के साथ और बजाओगे तो और मजा आता है एक इंस्ट्रूमेंट में हायर ऑक्टेव में बजाने का एक इंस्ट्रूमेंट में लोअर ऑक्टेव में बजाने का दोनों का कॉम्बिनेशन करके इसको और भी हम बढ़ा सकते हैं ये ट्यून को तो वो अपने ऊपर है आप इसमें क्या कलर डाल के और उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको ज़रूर कमेंट दीजिए मैं लाइक और शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर लाइक और शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में अब तक के लिए बस इतना ही जय हिंद वंदे मातरम जय श्री कृष्णा।